देखो जिंदगी में बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन सरवाइव पूरे एंड तक अच्छा अपना बुढ़ापा वही अच्छे से जी पाता है जो सेविंग करता है। ऐसे नहीं कि जो पैसा कमाया सुबह कमाया रात को उड़ा दिया। सो इन दैट केस आपको फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी करनी होती है, और अगर आपको फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना हो किस स्पीसी से सीखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इन दैट केस दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो पैसा कमाने लगो तो आप लोग याद रखो, बंदे का एक उसूल होता है, मतलब उसी तरह पैसा कमाने का भी एक उसूल होता है। क्या होता है, आप अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो उसमें से आप सेविंग रखो कम से कम 30 या 40% सेविंग, 60% आप खर्चा कर सकते हो। वुड पिकर जो बेसिकली एक ऐसा बर्ड है, आप ध्यान से देखोगे तो वुड पिकर की खास बात होती है, ये क्या करती है, ये इसको जब भी खाना मिलता है, इतना सारा खाना तो वो खा नहीं सकती, तो जब भी वो खाना मिलता है मतलब पेट भर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने को छोड़ देगी, वो क्या करती है, इसको कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके वो लेके आएगी ट्रीज के अंदर, छोटे छोटे से होल करती है और वहां पर खाने को सेव करके रखती है। मतलब कल को बुरा वक्त आ गया तो खाना नहीं मिला तो भूखी तो नहीं मरेगी। यहाँ पर ये अपनी बहुत लंबे टाइम की प्लानिंग कर लेती है, एक अच्छा खासा पेड़ पकड़ती है, उसमें छेद करती रहती है, उसके बाद फूड भरती रहती है उसके अंदर, ताकि कभी प्रॉब्लम आए तो इसे दिक्कत नहीं आए, इसका पेट भरता रहेगा, या इसके बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसके बच्चों का पेट भरता रहेगा। दैट इज कॉल्ड वुड पिकर।